देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के शामली के कांदला में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच आनंद सिनेमा घर में पद्मावती फिल्म का प्रसारण दिखाया गया। पुलिस ने सिनेमा हॉल सहित कई स्थानों पर पुलिस तैनात कर सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखी, लेकिन फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ में भारी कमी देखने को मिली। वहीं फिल्म के प्रसारण को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी चौधरी थाने पुलिस व पीएससी बल को लेकर सिनेमा घर पर मौजूद रहे। पूर्ण सुरक्षा दी गई है सिनेमा घर को भी, प्लस बाहर भी, प्लस दिल्ली अड्डे पे सकाएंगे तो बड़े आराम से देखेंगे। पूर्ण शांति व्यवस्था, लोगों की जिम्मेदारी है उसका पालन करना। प्रदर्शनकारी वैसे यहाँ कोई है नहीं और कोई मतलब भी नहीं है, आएगा तो लाठी पड़ेंगे। ट्रैफिक निदेशालय की ओर से महिला को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिए फ्री वाहन की सुविधा मुहैया कराई गई है। कुल 12 स्थानों पर महिलाएं सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। इसके लिए निदेशालय की ओर से 30 वाहनों की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि ट्रैफिक निदेशालय ने 31 दिसंबर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रोजेक्ट सुखद आरंभ किया था। कार्यक्रम के तहत डायरेक्टर ट्रैफिक केवल खुराना ने घंटाघर स्थित पिक एंड ड्रॉप गाड़ियों का निरीक्षण किया। उसी क्रम में चौथे संडे को फोर्थ संडे को ड्राइविंग सिटी में हमने शुरू किया, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक ये फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है ड्राइविंग सिटी क्षेत्र के अंतर्गत। 25 फरवरी 2018 को मेरठ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय शिविर के प्रचार प्रसार के लिए शामली में संघ के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल बाइक रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य शिविर में अधिक से अधिक संघ के कार्यकर्ताओं के पहुंचने के लिए जागरूक करना था। संघ के नगर अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि 25 फरवरी को मेरठ में 251,000 संघ के कार्यकर्ता एकत्र होंगे। 25 फरवरी को जब मेरठ का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, संघ के अपने इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम, लगभग 251,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसमें हो चुका है। उसकी तैयारी के निमित्त शामली नगर की है आज एक छोटी सी सभा थी, इसमें लगभग 800 की संख्या में सदस्य उपस्थित हुए थे। मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस को गश्त के दौरान कुछ बदमाशों के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर भोपा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार अखलाक और जावेद को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 2 चाकू बरामद हुए। पुलिस ने जब दोनों बदमाशों से सख्ताई से पूछताछ की तो बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 चोरी की बाइक भी बरामद की है। इस दौरान पकड़े गए बदमाशों का एक साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। मुखबिर से सूचना मिली कुछ बाइक चोरों के बारे में, तो रुटली चौराहे पे उन्हें पकड़ लिया गया, जिसमें 1,00,000 जावेद मौके पर पकड़े गए, उनके साथ 2 चाकू और एक साथी नंदू भागने में सफल रहा। उसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, 3 चोरी की बाइक बरामद हुई है उनसे, 2 चाकू लालन उन्हें गिरफ्तार करके सीधे सीधे भेजा जा रहा है और आगे की चिंता हुई से आगे की जाएगी। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।